Hello friends, welcome back to the next video of Child and Self-Care. Before starting my video, I just want to share a small incident with you all. जब मैं ये aloe vera चूर्ण को grind करने वाली थी ना, उसके just एक दिन पहले मेरे को अचानक से बहुत तेज stomach में pain हुआ. तो मैं लेटे-लेटे सोच रही थी कि क्या लूँ, because I don't know about any medicines related to stomach. बस मेरे को पुदीनहरा का नाम पता था. तो मैं सोच रही थी कि चलो उठ के पुदीनहरा ले लेती हूँ. फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मेरे पास ड्राई किया हुआ एलोवेरा पड़ा है, तो इससे अच्छा टाइम शायद ही मिलेगा जब मैं इसे टेस्ट कर पाऊँ. तो मैं फटाफट से उठी एंड किचन में जाके मैंने इसे ग्राइंड किया एंड आई हैव टेकन 1/4 टीस्पून ऑफ इट विथ ल्यूकवॉर्म वाटर. और उसके बाद मैंने जब मैं ले रही थी तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर ये मेरे पर वर्क करता है देन ओनली आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो अबाउट इट. उसके बाद हाफ एन आवर तक मेरा ध्यान मेरे स्टमक में ही था कि इट्स वर्किंग और नॉट. एंड टू माई सरप्राइज आफ्टर हाफ एन आवर मतलब मेरा ध्यान मेरे स्टमक से बिल्कुल हट गया, बिकॉज पेन कम्प्लीटली बंद हो चुका था. देन आई डिसाइड इस रेसिपी को तो अपने फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स के साथ शेयर करना बनता है. टुडेज वीडियो इज वेरी वेरी स्पेशल, स्पेशली उनके लिए जिन्हें गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, स्टमक एक, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम रहती है. इस एलोवेरा चूर्ण में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं दैट आर टू गुड फॉर आर स्टमक, हेयर एंड इवन फॉर आर स्किन एज वेल. तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं फटाफट से बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है एंड बनाने के बाद इसे यूज़ कैसे करना है. जब अपन एलोवेरा को कट करते हैं ना, तो उसमें से इंस्टेंटली एक येलो फ्लूइड निकलने लग जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो हमें एलोवेरा लीव्स को अराउंड 2-3 आवर्स के लिए पानी में डिप करके रखना है जिससे सारा फ्लूइड अच्छे से निकल जाए. देन अगेन वॉश द लीव्स इन अ रनिंग वाटर प्रॉपरली. सी, ये मैंने एलोवेरा के छोटे छोटे पीसेस किए हैं एंड इसके साइड में जो कांटे वाला पार्ट होता है ना, उसे अलग कर दिया है. नाउ टाइम टू मिक्स अदर इंग्रेडिएंट्स टू इट. एडिंग ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड रॉक सॉल्ट. आप एलोवेरा की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड पेपर की क्वांटिटी चेंज कर लेना. अब बीच में थोड़ा सा होल बना के आई एम एडिंग मेथी दाना टू इट जिससे मेथी एलोवेरा के जूस में अच्छे से सोख हो जाए. फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर हेल्दी वीडियोस. सी, मैंने इवनिंग में इसे चेक किया है, अब मेथी इसमें बहुत अच्छे से फूल चुकी है. सो नाउ आई एम एडिंग अजवाइन दैट इज कैरम सीड टू इट. कैरम सीड्स आर टू गुड फॉर स्टमक एंड इसके बारे में तो अपन सब ने ही बचपन से सुना हुआ है कि हाउ गुड इट इज़ फॉर आर स्टमक. बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस इन्ग्रीडियंट्स विद कैरम सीड्स क्रिएट मैजिक इन आर बॉडी. सी हाउ जूसी इट बिकम. एलोवेरा में सॉल्ट मिलने की वजह से एलोवेरा ने बहुत अच्छे से अपना जूस एक्सट्रैक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मेथी एंड अजवाइन एलोवेरा के जूस में बहुत अच्छे से सोक हो जाएंगे. अब टाइम है इसे स्प्रेड करने का किसी बड़ी चीज़ में फॉर इट्स ड्राइंग प्रोसेस. टेक स्टील की परात और अ ट्रे, बिकॉज स्टील बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड जब नीचे एंड ऊपर दोनों साइड से हीट मिलेगी ना एलोवेरा को, तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है फटाफट हो जाएगा. ये नेक्स्ट डे मैंने वीडियो लिया है. सी द चेंज इन कलर. नाउ आई एम एडिंग लेमन जूस टू इट. मैंने 6 लेमन लिया है. आप एलोवेरा की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेमन की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो. चलो अब चेक करते हैं कि हमारा एलोवेरा चूर्ण कितना ड्राई हुआ. वाओ, बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है ये. वैसे हमारे राजस्थान की गर्मी में तो इंसान ही ड्राई हो जाते हैं, तो ये एलोवेरा क्या चीज़ है. लिसन इट्स क्रिस्पी साउंड. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली रेडी टू ग्राइंड. मैंने इसे हाफ हाफ करके ग्राइंड किया है एंड बहुत ईजीली ग्राइंड हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में है ये. पहले मेरे को लगा था मेरे को सीड्स की हेल्प से
इसे फिल्टर करना पड़ेगा, बट ज़रूरत नहीं है फिल्टर करने की, यू कैन टेक इट डायरेक्टली ऑल्सो. मिक्स इट वेल, देन फिल इट इन अ एयर टाइट कंटेनर. आराम से इसे बाहर रख सकते हो, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन कीप इट इन फ्रिज ऑल्सो. अब बताती हूँ कि इसे लेना कैसे है. आप इसे नॉर्मली भी रात को सोते टाइम आपका मन हो तो आप खाना खाने के बाद ले सकते हो. 1/4 टीस्पून इज मोर देन एनफ. गर्म पानी उसके बाद पी लोगे तो दैट विल वर्क बेटर. या कभी भी स्टमक एक हो या बहुत बार गैस की वजह से चेस्ट में पेन होता है तो आप कभी भी दिन में दोपहर शाम में जब भी लगे ना तो इसे आराम से एज अ मेडिसिन यू कैन टेक. सो फ्रेंड्स, हाउ इज द रेसिपी? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसे बनाना कैसे है एंड लेना कैसे. एंड यस, दिस टाइम आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर फीडबैक कि ये एलोवेरा चूर्ण आपके केस में कितना वर्क किया. तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड.